ओम शांति। मनुष्य जीवन में क्या चाहते हैं ये तो सब मानेंगे कि हर एक मनुष्य जीवन में सुख और शांति चाहते ही हैं, और उसी सुख और शांति के लिए ही संसार के इतने पुरुषार्थ है, जितने भी है, चाहे संसारिक पदार्थों के चाहे ईश्वरीय मार्ग के, जितने भी सब कोशिश है, अनेकानेक कोई समझते हैं संसारिक पदार्थों से यहाँ कुछ सुख मिलेगा इसीलिए उसी की कोशिश करते रहते हैं, कोई समझते हैं कि नहीं ईश्वरीय कुछ मार्ग अपनाने से कुछ उन्हीं से प्राप्ति होंगी, तो अनेकानेक कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी आज नहीं हुई है, होती आई है बहुत काल से, लेकिन हमारे जीवन की जो सुख शांति की प्राप्ति कहें वो हमारे को मिल नहीं पा सकी है जो हम चाहते हैं। तो ये समझना है कि वो चीज़ मिलने की कोई और तरीके से है, और उस देने वाला भी कोई ज़रूरा और ही होगा। अभी और कौन, मनुष्य तो जो कुछ पुरुषार्थ और कोशिश कर रहे हैं उनका तो हम संसार देख रहे हैं कैसा संसार हुआ है, लेकिन उसी संसार में कोई कहा जाता है अशांत और दुख का, अशांत दुख है तभी तो चाहते हैं नहीं सुख शांति। अगर सुख शांति होती तो फिर संसार, हाँ ऐसे क्यों कहते हैं वर्ल्ड पीस चाहिए या विश्व शांति चाहिए, फिर तो विश्व शांति और वर्ल्ड पीस ये सभी शब्द आते ही नहीं। उसकी माना है कि वर्ल्ड में पीस नहीं है, विश्व अशांत है, विश्व हाँ एक मनुष्य की बात नहीं है, दो चार आदमियों की या लाखों आदमियों की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है, तो उसकी माना विश्व अशांत है, तब तो कहते ना विश्व शांति चाहिए, तो उसकी माना विश्व अशांत है। तो अभी विश्व की शांति और विश्व की सुख देने वाला तो विश्व का मालिक ही रहेगा नहीं, विश्व को सुख और विश्व को शांति देना कोई मनुष्य का काम नहीं है, उसका काम है जो विश्व का मालिक है, मालिक तो एक ही है जो क्रिएटर है। अभी वो क्रिएटर फिर कैसे देता है, कभी देता है, इन्हीं बातों को भी सबको समझना है, जो फिर स्वयं ही मालिक जो क्रिएटर है ना वो आकर के समझाता है। ये समझाए भी कौन कि तुमको कैसे मिलेगा, वो कहता है इसीलिए मुझे ऐसी समझाने के लिए मुझे आना पड़ता है, और मेरे आने का समय है ये संगम, संगम समझते हो ना, कॉन्फ्लुएंस युग जिसको कहा जाता है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब ही है जबकि हमारा ये चक्कर उसका अंत और फिर नए चक्कर का आद, गोल्डन एज का आद, कलह युग की अंत, आयरन एज की एंड और गोल्डन एज की आद, तो इसको कहा जाएगा संगम। तो उसी संगम, अभी ये संगम के बाद का भी बहुतों को मालूम नहीं है, चार युग बहुत बतलाएंगे, पूछेंगे कितने युग है तो शायद जो है कुछ इन्हीं बातों में है वो बता देंगे भाई चार युग है, कौन से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये बता, अंग्रेजी में भी कहते हैं गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन एज, लेकिन ये कॉन्फ्लुएंस युग अथवा कॉन्फ्लुएंस टाइम जिसी के लिए परमात्मा ने कहा है कि मैं युगे युगे आता हूँ, वो गीता में है ना, तो कईयों ने उसका अर्थ ऐसे समझ लिया है कि युगे युगे माना सतयुगे भी आता है, त्रेता युगे भी आता है, कलह युगे, द्वापर युगे, हर एक युग में आता है, तो इसीलिए समझते हैं युगे युगे का मतलब है हर एक युग में आता है, लेकिन हर एक युग में क्या करेंगे आकर के, युग में हर एक युग में तो काम ही नहीं है ना, सतयुग में क्या करेगा, सतयुग में तो है ही सतयुग, उसमें क्या आकर करके बनाएगा, वो आता ही है धर्म विनाश और धर्म स्थापना के लिए, तो सतयुग तो है ही धर्मात्माओं का युग, तभी तो उनको सतयुग गोल्डन एज कहते हैं ना, और सिल्वर एज में भी दरकार नहीं है, उसमें भी यहाँ चंद्रवंशी राजाओं का राज है जिसके लिए तो हाँ गांधी जी कहते थे राम राज्य बने, हाँ तो उसमें भी तो दरकार नहीं थी, द्वापर काल में भी दरकार नहीं है क्योंकि द्वापर के बाद तो कलयुग आने का है ना, इसीलिए आना है उनको कलयुग के एंड में और सतयुग के आद में,
वो उसको कहा है संगम युग, यानी संगम युगे युगे, यानी संगम संगम का जब टाइम होता है, यानी चक्र के एंड और आज का जब संगम का टाइम है, तब मैं संगम संगम पर आता हूँ। तो कहने का भाव ऐसा है, लेकिन गीता में युगे युगे खाली अक्षर डाला है, संगम युग न डालने के कारण, वो संगम नाम न होने के कारण, वो युग युग का अर्थ बहुत ले गए हैं कि सतयुग और त्रेता सभी युगों में आती हैं। अभी सभी युगों में तो जरूरत ही नहीं है ना, देखो ये चार युग का इसीलिए ये दिखलाया हुआ है इसमें। अभी सतयुग में क्या करेंगे आकर, हाँ वो तो है ही उसी समय देवताओं का राज्य, तो आना है उसमें कलयुग एंड और सतयुगात का संगम, कॉन्फ्लुएंस टाइम जिसको कहा जाता है। तो ये अभी वो टाइम है, अभी का समय जो अभी प्रेजेंट समय है, इनको कहा जाएगा संगम। तो पांच युग हो गए ना, एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। तो चार युग तो सभी बतलाएंगे, पांचवा युग कोई नहीं बतलाएंगे, भाई पांच युग। तो ये जो पीरियड है अभी का, इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि मैं आता, और इसी को ही कहा है न रात न दिन, यानी हमारी गीता में भी है नहीं, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, तो दो युग है ब्रह्मा की रात, दो युग है ब्रह्मा का दिन। दिन कौन से हैं, सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन, और द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात। तो कहते हैं न मैं ब्रह्मा की रात में आता हूँ, न ब्रह्मा की दिन में, मैं संगम में, यानी रात की एंड और दिन का आरंभ का टाइम, तो उसका हुआ संगम, इसीलिए मैं संगम पर आता हूँ। तो ये सभी चीज़ें को समझना है, इसीलिए ये अभी वो टाइम है, और इसको ही कहा जाता है ऑस्पिशियस युग। जैसे तीन बरस के बाद में एक मंथ आता है नहीं, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं उसके, लीप युग, परंतु उसको हिंदी में भी कहते हैं पुरुषोत्तम, उसको पुरुषोत्तम नाम से हिंदी में कहते हैं, और उसको लीप मंथ कुछ ऐसा देते हैं अंग्रेजी में कुछ कहते हैं। तो तीन मंथ, इसी तरह से ये चार युगों में ये छोटा सा टाइम का जो है, जिसमें परमात्मा, इसको कहेंगे ऑस्पिशियस युग, इसमें परमात्मा आते हैं। अभी ये संगम का टाइम, अभी ये है संगम, अभी जिसका जो अभी टाइम चल रहा है इसको संगम कहेंगे, क्योंकि नई दुनिया का अथवा हमारी गोल्डन एज के आरंभ का अभी ये फाउंडेशन अथवा कलम कहो सैपलिंग कहो वो लग रहा है, और उधर ये डिस्ट्रक्शन की तैयारियां हो रही हैं, इसको कहेंगे कॉन्फ्लुएंस टाइम। तो ये बात परमात्मा भर करके समझाते हैं कि इसी अपने आने का टाइम भी मैं समझाता हूँ, मेरे आने का टाइम कौन सा है वो भी मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आकर के समझा। तो देखो नई बात है नहीं, तुम समझ बैठे हो कि सतयुग में आएगा, त्रेता में आया, द्वापर में आया, ये आता ही आता है युग युग में, पर तो नहीं, मैं कोई भी युग में नहीं आता हूँ, आता ही संगम पर, क्योंकि मेरा काम ही अभी होगा ना, मेरा काम सतयुग में है ही नहीं, क्यों आऊँगा, वहाँ तो बैठे हैं, वो तो है ही सुख शांति, उधर क्या है, मैं आता ही हूँ अधर्म टाइम पर। अधर्म का भी जब एंड हो ना, अधर्म शुरू हो तभी आऊँ, तो फिर क्या है, अधर्म के बीच में भी नहीं आ सकता हूँ, अधर्म की जब एंड हो, तो एंड होने तभी आकर के अधर्म नाश करूँ, तो इसीलिए मैं आता ही उसी टाइम पर। तो ये सभी चीज़ें समझने की हैं, और अपना भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना, वो भी समझने की है, कि यहाँ जो कहते हैं चार वर्ण कहते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अभी अपने भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना, ये चार जो वर्ण कहे हैं, वास्तव कर करके उसको भी कहेंगे पांच वर्ण, कौन से, सतयुग में देवता, पीछे त्रेता में क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण, ये संगम में जो है ना, तो संगम पर आकर करके परमात्मा ये ब्रह्मातन से ये मुख वंशावली जो बैर करके नॉलेज सुनाते हैं, तो वो जो प्यूरिटी को धारण करते हैं उन्हों को कहेंगे ब्राह्मण। वो तो एक ब्राह्मण जाति है जो अपने को ब्राह्मण नाम से कहलाते रहते हैं, तो वो तो अपना लगा रखा है एक जात के ऊपर, पर तो नहीं, ब्राह्मण जिसका महत्व है वो ब्राह्मण है जो परमात्मा ने आकर करके नई दुनिया जब रची है, ब्रह्मादि क्रिएटर भी कहा हुआ है ना, तो उनके द्वारा जो वो मुख वंशावली रची है, यानी मुख से नॉलेज सुना कर करके जो प्यूरिटी की जनरेशन की सैपलिंग लगाई है, तो जिन्होंने सैपलिंग लगाई है उन्हीं सैपलिंग लगाने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये अभी की बात है, अभी वो जो सैपलिंग प्यूरिटी की जो लगाते हैं वो ब्राह्मण हो गए, तो अभी हम कौन है, हम ब्राह्मणिया और ब्राह्मण ऐसे कहेंगे, यानी जो प्यूरिटी को अपनाए रहे है नई जनरेशन के लिए।
तो ये बैठ कर करके बाप समझाती हैं कि ब्राह्मण फिर जाकर करके सतयुग में देवता बनेंगे, ब्राह्मण सो देवता, इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण देवता या नमः है, कहते हैं इकट्ठे कहते हैं ब्राह्मण देवता या नमः। तो अभी ये ब्राह्मण फिर जाकर करके देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण देवता है नमः, क्योंकि ये ब्राह्मण बनने से ब्रह्म देवता जाकर के बनते हैं। तो ये सारी चीजें समझने की है, इसीलिए बाप कहते हैं कि ये सच सच जो ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण, हाँ वो तो नाम रख दिया है उन्होंने, पर तो सच्चे ब्राह्मण तो मैं आकर करके रचता हूँ ना, कैसे रचता हूँ इसी तरीके से कि मैं जो बैठ कर करके मुख से नॉलेज सुनाता हूँ, उसी नॉलेज अथवा ज्ञान और योग से, ये है वो राजयोग, जिससे बैठ कर करके इसी योग और ज्ञान से मैं ये राजाई देवताओं वाली सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्थापन करता हूँ, इसी को कहा है राजयोग। तो इस योग से अथवा इस योग बल से हम ये राजाई प्राप्त करते हैं। तो ये है वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त करने का योग, जिसमें हम सदा सुखी थे, अर्थात पूर्ण सुख, उसी समय विश्व सुखी था, उसमें पूर्ण सुख था, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग सब एवर थी, कोई दुख नहीं था। इसीलिए कहते हैं जब विश्व शांति विश्व का सुख पूरा था, तो उसी समय यही देवी देवताओं का राज्य था। तो अभी फिर से जब वो राज्य अथवा वो धर्म हो, तभी तो विश्व शांति हो ना, विश्व सुख हो ना। अभी अनेक धर्म अनेक राज्य हैं, उसके होते विश्व शांति और विश्व सुख कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसीलिए कहते ये अनेक धर्म का नाश और एक आदि सनातनी देवी देवता धर्म का स्थापना करता हूँ, तभी फिर हाँ विश्व शांति अथवा विश्व सुख वाला रहेगा। तो अभी विश्व को सुखी बनाने के लिए परमात्मा अभी वो उपाय अर्थात फिर वही देवी देवताओं का राज्य अथवा देवी देवताओं का धर्म की स्थापना कर, देवी देवताओं का मतलब ये है मनुष्य प्यूरिफाइड जो थे, उनका नाम देवी देवता धर्म था, राज्य था, जिसमें सदा मनुष्य प्योर थे और सदा प्योर ना होने के कारण सुखी भी थे। प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, नो प्योरिटी नो पीस नो प्रॉस्पेरिटी। तो अभी ऐसी हाँ जब प्योरिटी अपनाए तब तो ना, तो प्योरिटी का भी ये सैपलिंग लग रहा है, इसीलिए अभी ब्राह्मण, फिर वो जनरेशंस में फिर तो आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र मिलेगा ना, अभी तो पवित्र हो रहे हैं, इसीलिए अभी ब्राह्मण पीछे देवता। तो ये सभी चीजों को समझना है, इसीलिए बाप बैठ करके अभी जो बेहद का बाप है, जो इसी सभी नॉलेज को जानता है, वो बैठ करके हमको अपने वर्णों का और अपने यहाँ ये युग आदि का भी नॉलेज समझाते हैं, अभी कौन सा टाइम है वो बतला कर करके अभी कहते हैं उसी टाइम का फायदा लियो। तो अभी कौन सा समय है, इसी समय अभी क्या करना चाहिए, उसके मुताबिक अपना पुरुषार्थ रख करके आने वाली नई दुनिया के लिए तैयार हो जाओ। हाँ अभी आने वाली नई दुनिया क्या आने की है, कैसी है, तो उसमें भी हम उस जैसे लायक बनेंगे तब तो नई दुनिया की प्रारब्ध पा सकेंगे। नहीं, कर्म के आधार पर मनुष्य के जीवन का आधार है ना, तो हमारा जब जीवन का आधार कर्मों के ऊपर है, तो हमको अपने कर्म से श्रेष्ठ बन कर करके अभी ऐसे जीवन का अथवा जनरेशन का प्रारब्ध पाने का अपने को लायक बनाना है, तो उसके लिए अभी प्रिपेयर होना है। किसमें प्रिपेयर होना है, क्या करना है, वो ये सिखाया जा रहा है, उसका तो ये कॉलेज है स्कूल है, तो ये सब समझना है। अच्छा अभी टाइम हुआ है, इसलिए 2 मिनट साइलेंस।